गौवंश तस्करों पर पुलिस ने दो जगहों पर छापा मार कर 9 गौवंश की जान बचाई, तो वही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। इन दोनों ही कार्रवाई में करीबन 5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक यशोधरा नगर थाने के DB स्क्वाड को सूचना मिली कि एक मालवाहक वाहन में गोवंश ले जाया जा रहा है। स्क्वाड ने एकता कॉलोनी गार्डन के पास जाल बिछाया और वाहन क्रमांक MH40Y0806 के चालक शब्बीर कुरैशी शेख मूसा कुरैशी उम्र 47 वर्ष यशोधरा नगर चौक निवासी को पकड़ लिया। वाहन की तलाशी में 3 गोवंश पाए गए। पुलिस ने 3 मवेशियों को आरोपी की चंगुल से छुड़ाकर गौशाला भेजा। इस मामले में हवलदार श्याम कड़ू की शिकायत पर नगर थाने में आरोपी शब्बीर कुरैशी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से 75,000 रुपए के गोवंश व वाहन सहित करीब 3,25,000 रुपए का माल जब्त किया गया। वहीं दूसरे मामले में सकदरा क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 ने बड़ा ताजबाग में घर के अंदर बंधे 6 गोवंश को छुड़ाकर गौशाला भेजा। गोवंश सहित करीब 65,000 रुपए का माल उससे जब्त किया गया। सकदरा थाने में आरोपी अमान इकबाल शेख उम्र 20 वर्ष रघुजी नगर छोटा ताजबाग दरबार के पास सकदरा निवासी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने तौसिफ किराना दुकान के पीछे टीन शेड के नीचे कमरे में बड़ा ताजबाग परिसर में गोवंश को बांध रखा था। गुरुवार की शाम करीबन 4:30 बजे ये कार्रवाई की गई। दोनों ही कार्रवाईयों से करीब 5 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। पुलिस थाना यशोधरा में हमारे DB तक और बीट मार्शल को गोपनीय जानकारी मिली थी, उस हिसाब से परसों, कल और आज ऐसे 3 कार्रवाई की गई है। 3 कार्रवाई में करीबन 11 जानवर को अपन ने मुक्त किया गया है और गोरक्षण धाम में भेजा गया है, और उसमें 2 व्हीकल भी जब्त किए गए, महिंद्रा पिकअप। वो व्हीकल की और जानवर की करीबन कीमत 10 लाख तक है, और 11 जानवर को अपन ने जीवनदान दिया है, और उसमें 3 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, और 1 आरोपी अभी जो सुबह की कार्रवाई की गई वो आरोपी अभी अपने पुलिस कस्टडी में है। उसका 1 आरोपी भाग गया था गाड़ी छोड़ के, अभी उसकी तलाश में पुलिस जुटी है, उसको भी जल्द से जल्द अटक करने का प्रयास करेंगे। तीनों भी कार्रवाई पुलिस थाना यशोधरा के अंतर्गत की गई। एक ऑटोमेटिक चौक के पास पकड़ा गए थे एक गाड़ी, ये दूसरी गाड़ी बंदे नवाज नगर में पकड़ी गई थी, और तीसरी एक घर में एक इसको गोवंश को रखा गया था बंदिस्त करके, वो वहाँ से उसको रिलीज किया गया। ये यशोधरा के अंतर्गत ही तीनों ही कार्रवाई की गई है। टोटल मिला के करीबन 10 लाख का मुद्देमाल हस्तगत किया गया है, और 11 जानवर को छुटकारा दिया है, और 2 व्हीकल जब्त किए गए। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।